से हम 12th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। देन ऑप्टिक्स में हम लाइट और इसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो अभी यार क्वेश्चन होता है कि भाई व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है। तो लाइट के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों को पहले से ही कंफ्यूजन है कि लाइट वेव है या तो पार्टिकल है। ओके, तो यहाँ पर माना गया है कि लाइट जो है वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का है। ठीक है, जिसमें हम ऑप्टिक्स का स्टडी जो है विद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स के रूप में करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। तो अगर लाइट का स्टडी हम ज्योमेट्री के फॉर्म में करते हैं, यानी लाइट रे की सहायता से करते हैं लाइनिंग पाते हुए, तो उसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलेंगे। एंड अगर लाइट का स्टडी हम एक वेव के थ्रू करते हैं तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो सो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो लेट आई एम डिस्कस ए रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में दो टाइप के मिलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला कि ल्यूमिनियस सब्सटेंस होता है या तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम ये यहाँ पर यही जानेंगे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट या यदि कोई सब्सटेंस के पास अपना लाइट होता है या तो स्वयं प्रकाश को जनरेट करता है तो उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। लेट्स से एग्जांपल में सन, जैसे कि सूर्य के पास क्या होता है, अपना लाइट होता है, वे किसी पर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड हो गया बल्ब। एंड इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद पास यदि अपना लाइट होता है तो उसे समझ जाइएगा कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उतने पे से बताने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो सबसे सेकंड देखते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी वे ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होता है कि अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी दूसरे के प्रकाश के द्वारा दिखाई पड़ता है या तो दूसरे के प्रकाश के द्वारा ये चमकता है, उसे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा कर रहा है ऐसा कर देखा। हेलो गाइस, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, जब ये रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल नहीं बल्कि वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे यूनिवर्स में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, सेकेंड होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम देखते हैं कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट के पास अपना प्रकाश होता है तो उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी या तो बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्वयं प्रकाश को जनरेट करता है तो उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, एंड इस प्रकार से मोम हो गया आपका, एंड टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना लाइट होता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, सेकंड होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी वे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है या तो जो प्रकाश को जनरेट नहीं करता है वे दूसरे के प्रकाश के द्वारा चमकता है, जैसे कि मून। ठीक है, जैसे कि मून। तो ये सब ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बोल सकते हैं टेबल, कुर्सी, ये सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश इस पे पड़ते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वे हमें दिखाई देता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम तो सो सब आप देखते हैं हम बीम के बारे में। ओके, तो आपको पता होगा 10th क्लास से पढ़े होंगे कि अगर कोई लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसे हम रे बोलते हैं। ओके, लेट्स मानते हैं कि ये यहाँ से मैंने टॉर्च मारना शुरू किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पर मुझे पता होगा कहाँ से मैं टॉर्च ला रहा हूँ, तो ये प्रकाश का जो गमन पथ है उसी को बोलते हैं हम रे। ओके, और अगर बहुत सा लाइट रे
एक साथ ट्रेवल करता है, या तो वो इस प्रकार से ट्रेवल करे या तो वो इस प्रकार से ट्रेवल करे, तो उसी को हम बोलते हैं बी। ओके, यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। एंड बच्चों, बीम जो होते हैं वे तीन टाइप्स के होते हैं। ओके, बीम जो है वे तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पहला होता है कन्वर्जिंग बीम, जिसमें फर्स्ट होता है कन्वर्जिंग बीम, एंड सेकेंड होता है पैरेलल बीम। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कन्वर्जिंग बीम क्या होता है। तो यदि लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन से आते पर एक ही पॉइंट पर मिल जाती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ से लाइट आ रही है वो साफ, यहाँ पर आके मिल रहा है सारा लाइट, इधर से लाइट आ रही है यहाँ पर मिल गई, इधर से लाइट आ रही है ये यहाँ पर मिल जाता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ लाइट रे को हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। ओके, एंड सेकंड होता है पैरेलल बीम। ओके, तो अगर लाइट रे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम। ओके, जैसे कि समझ लेते हैं कि ये लाइट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ओके, ये लाइट रे दूसरे को क्या पैरेलल, ये दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे पैरेलल बीम। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्जिंग बीम। ओके बच्चों, तो डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, तो यदि लाइट रे एक पॉइंट से, जैसे कि मैं टॉर्च चलाता हूं, तो टॉर्च चलाता हूं क्या होता है, यहां से लाइट निकलने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो ऐसे लाइट रे के ग्रुप को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। ओके, तो देखते हैं आप लेट संभाल लेते हैं कि यहां से लाइट निकल रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन क्या कर रहा है, इधर से फैल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए बेसिक है। ठीक है, ओके, एंड मैंने ये बता दिया जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कराया। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि हम वो रेडी प्रेस की टर्निंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, टर्निंग बैक ऑफ लाइट या तो बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये टर्निंग बैक या तो बाउंस बैक लाइट का किसके द्वारा होना चाहिए, मिरर के द्वारा होना चाहिए। अब सर मिरर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि पॉलिश्ड ग्लास की सिल्वर एनी वन साइड। ठीक है, यानी वैसा ग्लास जिसका कम से कम एक भाग क्या हो रंगा हो, उसे मिरर बोलते हैं। और जब उस मिरर से क्या होता है लाइट तक आकर बाउंस बैक करता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए गणित से मान लेते हैं कि ये कोई मिरर है, इसकी एक भाग को मैं पेंट कर देता हूँ, तो ये ग्लास से क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब ये मिरर बन गया, अब इस पे हम कोई लाइट रे देते हैं। ओके, गणित से मान लेते हैं कि ये लाइट रे आ रही है। ओके, तो जब ये लाइट रे इस मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद ये बाउंस बैक, मतलब कि ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अब ये जो लाइट आकर इसे टकराती है, उस लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जहां पर ये लाइट टकराती है उसके मिड पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। एंड इस मिरर से इंसिडेंट रे जब टकराती है, तो टकराने के बाद ये वापस चल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिटर्न होता है लाइट, यानी आउट गोइंग जो लाइट है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखिएगा कि यहां पर इंसिडेंट रे एंड ये नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। एंड
इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आपसे कोई टीचर पूछेगा कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो अब बताइएगा कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इसी प्रकार से सिमिलर द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आगे बढ़ गया। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम, ठीक है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये समझ लेते हैं कि ये कोई मिरर है और इस मिरर से एक लाइट रे आकर टकराती है। ओके, लेट्स मान लेते हैं कि ये लाइट रे आ रही है और इसे टकरा रही है, तो ये इनकमिंग रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपको पता होगा। एंड जहां पर ये लाइट रे टकराती है तो वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहां से 90 डिग्री कोण बना। ओके, एंड ये लाइट टकराने के बाद क्या होता है, वापस हो जाता है, यानी बाउंस नहीं हो जाता, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच क्या बनता है, एंगल बनता है, जिसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ओके, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, हम ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये एंगल इक्वल है क्या। सबसे पहले ये मैं चेक करता हूँ। ओके, तो लेट्स समझ लेते हैं कोई मिरर है और यहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ पर लाइट टकराएगी वहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, और ये टकराने के बाद रिटर्न हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम, मुझे पता है कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, इस एंगल को हम इधर से मेजर करते हैं, ये भी 90 डिग्री कोण बना। यहाँ पर एंगल आपको पता है, मुझे पता है आई, यहाँ पर एंगल पता है मुझे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना है, अगर यहाँ पर एंगल कितना ये पता करना चाहते हैं, तो यहाँ से टोटल एंगल 90 दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये एंगल कितना होगा कि 90 माइनस आई। ओके, ये एंगल 90 माइनस क्या होगा आई, सॉरी ये एंगल 90 माइनस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस आई आर। ओके, हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो ये इतना हो जाएगा। अब देखिए, जब ये एंगल सेम रहते, इसी कारण ये एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी के आधार पर यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डिस्कवर किया गया, यानी वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम बोलता है कि, यानी इसको बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इज सेम प्लेन। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नियम होता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट जो होता है, तीनों एक सेम ही प्लेन में होता है। जैसे कि यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये तीनों सेम प्लेन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स मान लेते हैं कि ये एक लाइट रही है, ये टकरा के लौट रही है, एक लाइट मान लेते हैं हम कि ये मार्कर है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि एक अगर थ्री डिमेंशनल तो देखिए ऐसा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अगर कोई प्लेन को रखते हैं तो ये अगर सेम प्लेन को शो करता है तो पता लग जाएगा कि ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आता है तो ही ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, ठीक। एंड सेकेंड नियम ये बोलता है कि सेकेंड लॉ, इंसिडेंट एंगल
बराबर रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल जो होता है वह रिफ्लेक्शन एंगल के बिल्कुल बराबर होता है। ओके सो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एंगल आई बी इक्वल टू एंगल आर, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ये आप टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बात आपको आता ही होगा, मैं यहाँ पर ओनली रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके पिछले सेशन में जितने भी वीडियो बताया, जितने भी क्लास लिया है, तो क्लास के लेक्चर हुए, टेंथ क्लास की बेसिक है, ठीक। आपको फ्यूचर यहीं से पूछेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बोल रहा है कि ना एंगल, ये बात और जब फ्री जो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके बाद में ऑडियंस। ओके तो ये बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ओके लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मिरर है, ओके ये हमारा कोई मिरर है, एंड गाइस लेट्स मान लेते हैं कि यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये इंसिडेंट रे किधर जाता, इंसिडेंट रे का इनिशियल डायरेक्शन किधर होता, इधर होता, ये डायरेक्ट इधर ही चल जाता। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इस मिरर के कारण रिफ्लेक्ट होकर ये बाउंस बैक कर रहा है, मतलब कि रिटर्न लौट रहा है। ओके तो जहां पर इंसिडेंट रे टकराता है वहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, या तो आप भी करते हैं ऐसा नहीं कि मैं करता हूं, ठीक है। तो जहां पर ये लाइट टकरा रहा है उससे उससे क्या होगा, सेम एंगल पर एक रिफ्लेक्टेड रे पास होता है। ये पता आप लोगों को कि ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल है। तो बच्चों यहां से ये लाइट में जो है कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कहने का मतलब है कि यहां से यहां के बीच का एंगल सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ये पता है 180 होगा, तो ये लाइट रे इधर जा इधर आना चाहिए था, लेकिन इस मिरर के कारण ये लाइट रे इधर आ गया, ठीक है। तो ये एंगल जो यहां से आना था इसके बीच जो एंगल बना उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओके एक बार फिर से बताता हूं। लेट्स मान लेते हैं कि अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट डायरेक्ट पास होता, ठीक है, लेकिन इस मिरर के कारण ये लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है, तो यहां से यहां के बीच का जो एंगल है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब कि ये कितना डिविएट हुआ। ओके एंड आपको पता होगा कि ये जो लाइट रे है एक स्ट्रेट लाइन में, देखिए यहां से अगर देखते हैं इस लाइट रे को हम, अगर यहां से इस लाइट रे को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहां से यहां का एंगल टोटल जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं आप लिख सकता हूं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1 पाई, बिल्कुल सर, क्योंकि इस एंगल को ऐड करता हूं, इस एंगल को ऐड करता हूं और यहां से यहां का एंगल मुझे पता है डेल्टा है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल को तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो सो यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानते हैं कि ये एंगल सेम होगा, तो ऐसा करते हैं हम कि मान लेते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर कर देते हैं आर, दोनों को मैं आई मान लेता हूँ, सॉरी दोनों को आई मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लिया। ओके तो अगर यहाँ पर लिखते हैं आई प्लस एंगल डेल्टा, मुझे डेल्टा चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ओके तो आई क्या हो जाएगा 2 आई हो जाएगा, एंगल प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। तो यहां से हमें डेल्टा बराबर क्या मिलेगा, तो यहां से मुझे डेल्टा बराबर मिल जाएगा पाई माइनस 2 आई, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, ठीक है, मैं इसका मतलब पता नहीं लग रहा इसलिए मैं आपको लिखता हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगा आखिर की डेल्टा भी शुरू कर लो पाई माइनस 2
पाई हो जाएगा। ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा बी इक्वल टू पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं 2i, ये आपका एंगल ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, जिसपे हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बच्चों यहां से जेईई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुझे मैंने पूछ भी सकते हैं ऐसे वासा के नहीं पूछेंगे। ओके लेकिन जेईई क्वेश्चन यहां आ सकता है यार। ओके बच्चों मैं यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मिरर है, ये हमारा कोई मिरर है जिससे 30 डिग्री पर इंसिडेंट रे आ रही है। ओके 30 डिग्री पर इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये लाइट होने के बाद वापस लौटेगा, तो अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट रे इधर जाती, तो पूछ रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिवीजन बताइए, यानी डेल्टा बराबर होगा। ओके तो इसको हमें सॉल्व करना है, पहले आप ट्राई कीजिए। तो इसको इसका मैंने आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, क्या फॉर्मूला दिया कि डेल्टा बी इक्वल टू क्या लिखा था बताइए जल्दी। तो बताया था मैंने कि पाई माइनस 2i, ये बताया था ना। तो पाई को हम अगर डिग्री में चेंज करें तो 180 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन इंसिडेंट एंगल कितना था 30 है, तो लिख सकते हैं 180 माइनस 30 दूना 60 बीच में कितना हो जाएगा बताइए, 180 तो एंगल ऑफ डिवीजन कितना हो गया 120 डिग्री। नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि आपको पता है कि यहां पर एंगल 30 है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 30 डिग्री होगा सर, मुझे ये चाहिए ना। आपको पता है कि यहां से एंगल कितना है 180 डिग्री, तो लिख सकते हैं क्या आप हमें कि एंगल 30 प्लस एंगल ये एंगल 30 प्लस ये डेल्टा एंगल डेल्टा बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर पाई क्यों लेनी है, क्योंकि मुझे एंगल यहां पर डिग्री में दिया है, इसलिए मैंने डिग्री में लिया। ओके अब देखिए इस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस एंगल डेल्टा जो एंगल डिवीजन शो कर रहा है इसी को पहले मुझे निकालना है, तो यहां पर डेल्टा बी इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो डेल्टा बी इक्वल टू हमारे पास आंसर जाएगा 120 डिग्री। ओके नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग कीजिए। अगर यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है 45 डिग्री एंगल है, तो आप एंगल ऑफ डिवीजन निकाल लो। ओके इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है 2 मिनट का टाइम है। ओके जल्दी निकालिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक पिक्चर करता हूँ, ठीक है। लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मिरर है, ये हमारा कोई मिरर है जिससे 30 डिग्री पर इंसिडेंट रे आ रही है। ओके 30 डिग्री पर इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये लाइट होने के बाद वापस लौटेगा, तो अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट रे इधर जाती, तो पूछ रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिवीजन बताइए, यानी डेल्टा बराबर होगा। ओके तो इसको हमें सॉल्व करना है, पहले आप ट्राई कीजिए। तो इसको इसका मैंने आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, क्या फॉर्मूला दिया कि डेल्टा बी इक्वल टू क्या लिखा था बताइए चलिए। तो बताया था मैंने कि पाई माइनस 2i, ये बताया था ना। तो पाई को हम अगर डिग्री में चेंज करें तो 180 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन इंसिडेंट एंगल कितना था 30 है, तो लिख सकते हैं 180 माइनस 30 दूना 60 बीच में कितना हो जाएगा बताइए 120 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिवीजन कितना हो गया 120 डिग्री। नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि आपको पता है कि यहां पर एंगल 30 है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 30 डिग्री होगा सर, मुझे ये चाहिए ना। आपको पता है कि यहां से एंगल कितना है 180 डिग्री, तो लिख सकते हैं क्या आप हमें कि एंगल 30 प्लस एंगल ये एंगल 30 प्लस ये डेल्टा एंगल डेल्टा बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर पाई क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे एंगल यहां पर डिग्री में दिया है, इसलिए मैंने डिग्री में लिया। ओके अब देखिए इस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस एंगल डेल्टा जो एंगल डिवीजन शो कर रहा है इसी को पहले मुझे निकालना है, तो यहां पर डेल्टा बी इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो डेल्टा बी इक्वल टू हमारे पास आंसर जाएगा 120 डिग्री। ओके नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग कीजिए। अगर यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है 45 डिग्री एंगल है, तो आप एंगल ऑफ डिवीजन निकाल लो। ओके इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है 2 मिनट का टाइम है,
ओके जितनी गाड़ी नेक्स्ट हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है। लेट्स मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इंक्लाइन है ठीक है, और इस इंक्लाइन जो है ये ग्लास के आगे इसको मैं पेंट करके एक मिरर बना देता हूं, एंड इससे कोई लाइट हो जो है वे टकराती है और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती है। अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये लाइट इस प्रकाश से इधर चला जाता है। लेट्स मान लेते हैं ये इंसिडेंट जो है या फिर ये इंक्लाइन जो है वे 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है ठीक है, तो जहां पर लाइट टकराती है वहां पर क्या करते हैं हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमें बताना है यहां पर एंगल ऑफ डिग्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिग्रेशन नहीं होगा तो यहां पर डेल्टा का मान मुझे बताना है, यहां पर एंगल ऑफ डिग्रेशन होगा ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि यहां पर एंगल 30 डिग्री पर रहे तो जो मेट्रिक सी ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये आपको पता है इंसिडेंट रे ठीक है। अब देखिए यहां से यहां टोटल एंगल कितना है 90 है, तो ये एंगल क्या होगा इंसिडेंट एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 30 बीच में तो क्या हो जाएगा 60 बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां से एंगल कितना है 90 है और यहां पर एंगल क्या है 30 है, 30 से 30 हो जाएगा तो 90 माइनस 30 बीच में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए मुझे इंसिडेंट एंगल पता लग गया और हमें निकालना है डेल्टा का वैल्यू, तो मैंने आपको एग्जैक्टली एक फार्मूला बताया था क्या 180 माइनस 2 आई, जहां पर आई जो है आपको इंसिडेंट एंगल को शो करता है ओके। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर 180 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन इंसिडेंट एंगल मुझे 60 पता है सर, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पास आंसर आएगा 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आप ज्योमेट्रिक्स भी सॉल्व करते हैं कि यहां इस ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, तो यहां से टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं बिल्कुल सर क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए 60 प्लस 60 प्लस ये डेल्टा हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 180 और यहां से डेल्टा 60 120 तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 120 तो डेल्टा में कितना देखिए 60 डिग्री होगा ओके। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद बच्चों आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे विद्यंता क्लासेस द्वारा बनाया गया डॉट सेशन में आप अपने डॉट को पूछकर अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं ओके। ऑल द बेस्ट बच्चों।